मुंबई से भी लोग आते हैं। मंदिर बन रहा है, लंबाई की बात कर लिया जाए पंडाल का, 105 फीट है के लिए फुल सिक्योरिटी कैमरा उन्होंने लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग फ्रॉम कैसरम। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं इतवारपुर में, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बार इतवारपुर जो है मतलब अपने बिहार में हाईएस्ट पंडाल बनाता है, और आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम आ गए इतवारपुर में, और देख सकते हैं यहाँ जो है अभी जो है पंडाल जो है बन करके तैयार हो गया है, जिस पंडाल का नाम है द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश के बारे में आपको बता दें, ये जो है गुजरात में जो है मंदिर स्थित है, उसी को यहाँ पे मतलब उसी को स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया, सेम मतलब द्वारकाधीश जो है यहाँ पे बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं बन करके मतलब लगभग रेडी, मतलब 75% जो है रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। आपको गुजरात में मतलब जो द्वारकाधीश मतलब देखने को मिलता है, सेम उसी तरह अपने पटना बिहार में आपको देखने को मिलेगा। और ये इतवारपुर सिपाड़ा बोला जाता है, पटना से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये इतवारपुर है। इसी इतवारपुर के जगह पे अपना ये द्वारकाधीश जो है मंदिर बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसका हम खास चीज़ें बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और बताइएगा, आप इस कमेटी का सदस्य है? जी, सदस्य हैं। तो बताइए इस मंदिर में क्या खास होने वाला है, और इस मंदिर का नाम बता दीजिए। मंदिर का यही खासियत है कि यहाँ हम लोग का द्वारकाधीश बन रहा है। ये मंदिर मतलब गुजरात का मंदिर? गुजरात का है। इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? कुछ खास अभी तो दिख नहीं रहा है, रात में दिखेगा। मतलब दिखेगा तो दिखने वाला ही है। 12 रात के हाँ, दिखने वाला तो जरूर है, बिना नहीं दिखेगा। इस बार भी इतवारपुर जो है पंडाल के मामले में फेमस रहने वाला, फेमस है। आप लोग चाहिएगा तो फेमस ही कर लीजिए। और अभी भी फेमस है, और आगे भी फेमस रहेगा। कितना लंबाई की बात कर लिया जाए पंडाल का, तो 105 फीट है। अच्छा, चौड़ाई की अगर बात कर लिया जाए तो चौड़ाई लमसम वही 90 मतलब चौड़ाई 90 फीट जी। अच्छा, इसमें क्या कुछ मतलब भक्त के लिए क्या कुछ व्यवस्था, मतलब निगरानी की वगैरह मेला वाला की अगर बात कर लीजिए तो कैसे क्या व्यवस्था किया गया? भक्त के लिए निगरानी के लिए फुल सिक्योरिटी कैमरा उन्होंने लगा हुआ है, और हम लोग थाना से भी रिक्वेस्ट किए हैं, वो लोग 25-30 वॉलंटियर भेज देंगे, और हम लोग अपना मेंबर जी हम लोग फायर ब्रिगेड से भी हम लोग परमिशन ले चुके हैं, वो लोग भी आदमी रहेंगे। यानी भक्त को कहीं से कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। अच्छा, मूर्ति के अगर कुछ खास चीज़ें बता दे तो आप। मूर्ति का वही जो हम लोग कारीगर है, जो हम लोग का कलकत्ता से, हम लोग का सब साजवाज सब कलकत्ते से आता है। कलकत्ता से हमेशा मतलब आते हैं? जी। और मुकुट वगैरह के बारे में बताइए। सब उधर से कलकत्ता से, हम लोग 3 महीना पहले ही ऑर्डर दे देते हैं। 3 महीना पहले ही ऑर्डर जी, हम लोग 3 महीना पहले ही ऑर्डर देते हैं। और अगर पटना से कोई व्यक्ति है, पटना दर्शन से अगर कोई व्यक्ति अगर आए यहाँ पे देखने के लिए, तो कैसे आएंगे बताइए? कैसे आएंगे? मीठापुर होते हुए सिपाड़ा अपना क्रॉसिंग ले लेंगे। 4 किलोमीटर मीठापुर तो बहुत कम है, बाहर से मुंबई से भी लोग आते हैं इस जगह पे जी। हाँ, कहीं से भी लोग आ जाते हैं। और भक्त के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बाकी मैसेज जो हम आप लोग को कल बताएंगे। लाइटिंग के अगर बारे में बात, लाइटिंग के बारे में तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं बचा है, उसके लिए तो फुल एकदम हर जगह लाइट है, मतलब जगमगाते हुए लाइट साउंड के लिए तो कहना नहीं है। कैसा लग रहा है बाबू द्वारकाधीश मंदिर को देखने? एक बार बोलो दुर्गा माता की जय। क्या कौन सा मंदिर बन रहा है? द्वारकाधीश। रोज आओगे देखने का? अच्छा, तुम लोग यहीं से हो? अच्छा, मेला वाला देखोगे कि नहीं? हाँ। क्या क्या खरीदना है मेला में? सब कुछ, सब चीज खरीदना है। पूरा खाना पीना, पूरा खाना पीना है नहीं? सो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से गेट बना हुआ है, इसी गेट के अंदर जो है दुर्गा माता प्रस्थान मतलब करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ डिजिटल दान करें, यानी आप यहाँ QR कोड आपको अवेलेबल है, अगर आप कुछ दान वगैरह करना चाहते हैं तो स्कैनर यहाँ पर लगा हुआ है, स्कैन करके आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी योगदान देना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मजदूर जो लोग हैं जो डेकोरेशन कर रहे हैं, मतलब पूरे जोरों शोर से जो है काम जो है कर रहे हैं। और यहाँ पूछेंगे, बताइएगा भैया आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ, रात तक हो जाएगा, 12 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ। सो दोस्तों, देख सकते हैं भैया लोग बोल रहे हैं कि रात के 12 बजे तक जो है पूरे काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आप लोग को देखने को मिलेगा। कमेटी से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे क्या मतलब यहाँ व्यवस्था रहेगा, लोग भक्त के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जाएगा, सभी चीज़ हम बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लगाने के लिए यहाँ पे सभी जो है रखा गया है, और एक बार आपको देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है
क्रेन लगा हुआ है ऊपर रखने के लिए, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हर जगह जो है लगाया जाएगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा सर, आप यहीं से है? अच्छा, एतवारपुर में द्वारकाधीश मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है, मतलब देखने के लिए पूरा उत्सुक है नहीं? और मतलब जो आने वाले होंगे देखने के लिए उनको क्या बोलना चाहिएगा? क्या बोलना चाहिएगा? भावे मतलब देखे और अच्छा लग रहा है बाबू। कैसा लग रहा है बाबा ये द्वारकाधीश मंदिर बन रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है नहीं? हर बार की तरह इस बार भी लगता है कि एतवारपुर जो है पंडाल के मामले में टॉप करेंगे नहीं? हाँ। मतलब हर बार की तरह इस बार भी टॉप करेंगे नहीं? सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लोगों में जो है मतलब, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रेन से मतलब सभी मतलब जो पूरा द्वारकाधीश मंदिर को है पूरा मतलब बनाया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है सर ये द्वारकाधीश मंदिर बन रहा है? द्वारकाधीश मंदिर बहुत अच्छा है, कोई भी यहाँ पे आकर घूमे। बिल्कुल बहुत अपने अच्छा। एतवारपुर में बनाया जा रहा है मतलब एतवारपुर में, एतवारपुर में द्वारकाधीश मंदिर गुजरात का बनाया गया है, ठीक है। कोई भी जैसे कोई भी यहाँ पे आए और दृश्य को देखे, बिल्कुल बहुत अच्छा। गुजरात में लोग गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन अपने पटना बिहार में भी देखने को मिला है, ठीक है। और कुछ खास चीज़ें बताइए जो यहाँ पे कुछ खास होने वाला है? खास होने वाला है इसके अलावा कुछ खास मतलब यहाँ मेला वाला के बारे में देख रहे? मेला भी बहुत अच्छा, इससे पहले भी मेला लगा, बहुत सारा भीड़ लगा था, रात भर भीड़ था। प्रशासन का सपोर्ट रहेगा कि नहीं? पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट पहले भी था, फुल सपोर्ट अभी भी रहेगा। अच्छा, कैमरा वगैरह लगेगा कि? बहुत, हाँ, कैमरा चारों साइड में कैमरा लगेगा। जो भी व्यक्ति जो भी भक्त यहाँ पे घूमने आएंगे सभी जो है कैमरा की निगरानी में ही रहेंगे, जितने भी भक्त लोग आएंगे। मतलब साउंड वगैरह के बारे में कुछ बता दीजिए, मतलब कैसे क्या साउंड यहाँ पे लग रहा है नहीं लग रहा है? साउंड चारों साइड में साउंड लग रहा है, देखिए मतलब हर जगह साउंड लगने वाला है, हर जगह साउंड धमाका साउंड लगने वाला है। क्या लगता है इस बार बिहार में मतलब पटना बिहार में टॉप मारेगा? टॉप मारेगा, एकदम टॉप मारेगा, हर बार की तरह इस बार। कितना फुट का लंबाई मतलब बन रहा है? 110 फीट लंबा है और चौड़ाई 100 फीट चौड़ाई है, चौड़ाई 100 फीट है ना, 110 फीट लंबाई। जी अच्छा, और कुछ खास बताइए जो मंदिर में कुछ मतलब दुर्गा माता में कुछ खास मतलब कुछ लगाया गया हो? दुर्गा माता अलग हो, मुकुट वगैरह कुछ मतलब? सब चीज़ अलग है, सब चीज़ अलग है, सब चीज़ अलग है, हर चीज़ अलग है, हट का अलग है, सब चीज़। जैसा जैसा द्वारकाधीश मंदिर है वैसा ही एकदम प्रकोप यहाँ भी है। एक एड्रेस जैसे बहुत सारे भक्त पटना जंक्शन से अगर आना चाहे तो कैसे आएगा बताइए? पटना जंक्शन आप आ जाइए, पटना जंक्शन सिपाड़ा से एतवारपुर, पिलर नंबर 23 है, बिल्कुल एतवारपुर के पिलर नंबर 23 पड़ेगा, 23 पड़ेगा, जस्ट अपोजिट में बना हुआ है। एतवारपुर से पारा, पटना से पारा, एतवारपुर आइए और इस दृश्य को देखिए अच्छी तरह से, आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस द्वारकाधीश को लगभग पूरे तरीके से लगभग तैयार कर दिया गया है, यानी 80% बात करें तो 80% जो है लगभग तैयार कर दिया गया है, 20% बचा हुआ है, लेकिन आज रात में रात के 12 बजे तक जो है पूरे तरीके से इसको तैयार कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग एतवारपुर में आइए और इस द्वारकाधीश मंदिर को आप लोग देखें और दुर्गा माता से आशीर्वाद लें और अपने मनोकामनाएँ को जो है पूरा करें। सो दोस्तों इस द्वारकाधीश के बारे में जो भी डिटेल था, जो भी यहाँ पे होने वाला है, सभी चीज़ को लगभग हम एक्सप्लोर यानी बता दिए। सो दोस्तों इसी तरह अगले पंडाल को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।